मैं कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन की चेयरपर्सन हूँ। मेरा यहाँ से अक्सर दौरा होता रहता है हैदराबाद के ज़रिए, इसलिए गुलबर्गा जाती हूँ, बिदर जाती हूँ। तो कल मेरा एक बिदर का एक प्रोग्राम था, वहाँ पर NGOs की जो मीट है, वहाँ पर जहाँ पर अक़लियतों के मसलों मसाइल हल किए जाने के लिए एक फोरम रखा गया है। तो मैंने बखूबी ये समझा कि यहाँ के चेयरमैन जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, हुकूमत को उन्होंने ललकारा भी है कई मर्तबा और कोर्टों को भी ललकारा है, तो बहुत इंसाफ दिलाने में बढ़ चढ़ कर आगे। मैं सारी हिंदुस्तान में सबसे पहली मर्तबा ऐसे चेयरमैन देख रही हूँ कि उन्होंने काफ़ी तरक्की की है। तो पहली मर्तबा मेरी एक आदत सी है कि जहाँ ऊंचाई पर चढ़ रहा है उससे जाकर हम भी कम से कम उसके साथ खड़ सकें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको इन्फॉर्म किया था। तो उन्होंने मुझे आज का अपॉइंटमेंट दिया था, मैं आकर उनसे मिली। मिलने के बाद बहुत से ऐसे उनके ख्यालात और उनके कारनामे मुझे मालूम है, जिससे कि उन्होंने अभी अभी वक्फ बोर्ड की जो एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश किए हैं उसका डिस्कशन भी होने वाला है। और इसके अलावा मुझे ऐसे हमारे यहाँ पर रियासत कर्नाटक में यूँ तो हमारा कमीशन 1989 में शुरू हुआ, लेकिन वहाँ पर इख्तियारात सिविल पावर के नहीं थे। अब जब मई चेयरमैन होने के बाद हुकूमत कर्नाटक को जब मैंने ये प्रस्ताव रखा, तो हुकूमत की तरफ से कोई गुंजाइश किए बगैर उन्हें यूनानिमसली वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया और बिल भी पास हो गई। तो हम भी इसी तरह का कमीशन में वर्क भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं ये कोर्ट कचहरी जो है ये एक अलग बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे अक़लियतों को सामाजिक तौर पर, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर आगे आए बढ़कर। तो हमारे यहाँ पर हुकूमत की तरफ से सामाजिक और तालीमी सर्वे भी किया गया है, जिसकी रिपोर्ट पेश की गई है, गवर्नमेंट में डिस्कशन होने वाला है। वो भी यहाँ पर मुझे पता चला कि ये भी लोग करने वाले हैं, तो इससे काफ़ी हमारे लोगों को मदद हो सकती है। जैसा कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है 4% मुसलमानों को, 2% क्रिश्चियनों को, मैं चाहती हूँ कि कमीशन से इस बार 6% हमारे लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, इसलिए कि इसके बावजूद क्रिश्चियनों को जो 2% है वो बरकरार रखा जाए। इसलिए कि सर्वे में ऐसा पता चला कि हमारी रियासत में पहली नंबर पर पॉपुलेशन के लिहाज से SC/ST हैं, दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं। तो ये खुद सिद्धरामैया जी वज़ीर आला वो खुद चाहते हैं कि हमारे लोग आगे आएँ, तो ये पॉपुलेशन बताए बगैर ही उन्होंने कई ऐसे मुसलमानों के प्रोग्राम से, जैसा कि तालीम ओवरसीज़ की जो स्कॉलरशिप है 20 लाख तक हम ग्रांट दे रहे हैं, और हम लास्ट ईयर 70 हॉस्टल्स शुरू किए हैं। डॉक्टर खमरुल इस्लाम साहब, उन्होंने भी कई स्कीम्स जो भी उन्होंने प्रपोज किया, हुकूमत बग़ैर कोई गुंजाइश के, बग़ैर कोई डिस्कशन के वहाँ पर मान रही है। और ख़ुद कमीशन को बार बार वज़ीर आला और डॉक्टर खमरुल इस्लाम साहब कहते हैं कि क्या होना है और वो हमें पेश कीजिए। तो हमें और यहाँ के चेयरमैन साहब को भी इतना ज़रीन माहौल मिला है जिससे लोगों को एक बहबूदी की राह पर हम ला सकते हैं। तो वो जो रिपोर्ट में और हम ज़्यादा से ज़्यादा हर फील्ड में, जैसा कि एम्प्लॉयमेंट में हमारे यहाँ पर उससे सबसे अच्छा काम ये भी हुआ कि बैकलॉग का वहाँ पर एक फैसला भी लिया गया है। जितनी एम्प्लॉयमेंट बाज़ अक्सर ऐसा होता है रिजर्वेशन के ज़रिए बुलाते हैं, वो कोई ना कोई बहाना बना के उसे कन्वर्ट कर देते हैं जनरल को पोस्ट, लेकिन वो पता चला हमारी हुकूमत को, कमीशन को पता चला जब हमने एक लेटर लिखा, तो हुकूमत की तरफ से बैकलॉग के लिए भी कई मीटिंग्स करने के बाद ये कैबिनेट डिसीजन लिया गया है। जितने पोस्ट मुसलमानों की रिजर्वेशन में जो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था, क्रिश्चियनों को मिलना चाहिए था, जो कन्वर्ट किया गया है उसे फिर उन तमाम को उतने पोस्ट दिया है ज़्यादा से ज़्यादा, और 2000 इस तरह से हमारे लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं, हर फील्ड में मिल सकते हैं। हायर एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंटमेंट हो, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में हो, ये तमाम के तमाम अपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ भी तेलंगाना की हुकूमत भी बहुत से अक़लियतों की बहबूदी काम कर रहे हैं, तो इसका जायज़ा लेने के लिए मैं यहाँ की कमीशन को आई, और जल्द से जल्द मैं सदर साहब के साथ डिस्कशन कर रही थी यहाँ पर हो या हमारे बेंगलुरु में हो, एक नेशनल लेवल पर तमाम कमीशन्स के चेयरमैन्स मिलकर ये डिस्कशन किया जाए। तो को ये पहली मर्तबा हमारे स्टेट कमीशन्स को और थोड़ा एम्पावर किया जाए, और मैं ये चाहती हूँ कि सारी रियासत के मुसलमान पहले इकट्ठा हों,
अखिलियत जो भी हैं, जैनस हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, ये तमाम पहले इकट्ठा हुए, किसी ना किसी सियासी चाल की तरफ से उनकी अपनी जकड़ में आ जाते हैं ये लोग, और वो कोई ना बहाना बनाकर जो सेक्युलर फोरम है उससे दूर होते जा रहे हैं। सेक्युलर फोरम एक ऐसा ही फोरम है जहाँ पर हर एक की बहबूदी हो सकती है। तो कमीशन की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को एक सेक्युलर माहौल में जीने का एक राह दिखाए, एक माहौल पैदा करें। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, सदर साहब भी खुद चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक नेशनल लेवल पर एक कमीशन की एक दो दिन की कॉन्फ्रेंस करें। वो कब कहाँ होना है, कब होना है, वो डिस्कशन करेंगे। वहाँ के वज़ीर आला भी एक दो मरतबा मैंने डिस्कशन किया था, उन्होंने भी मान लिया है, अब तो चेयरमैन साहब ने माना है। तो सारी रियासत के कमीशन के चेयरमैन को बुलाकर और कई स्कीम्स जिसकी बहुत ज़रूरत है, और सबसे पहले सारे हिंदुस्तान में माहौल कैसा है आप लोगों को मालूम है, आप लोग प्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, और लोग हर सुबह उठते हैं तो आज क्या होता है, शाम तक हम घर जाते हैं या नहीं, किस तरह से माहौल ना होते हुए माहौल को बनाया जा रहा है इस तरह से। तो हमारी कमीशन की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को हिफाजत देने का सबसे बड़ा काम है कमीशन का, तो हम उनको एतमाद में लेना है, लोगों को जो सबसे बड़ा गरीब तबका जो है उनको हम एतमाद में लेना है। सुबह नहीं उठता है गरीब, शाम तक अपनी रोजी रोटी के लिए दौड़े धोए भागता है, लेकिन अगर वो अपनी राह अपनी रिस्क के लिए भागता है, लेकिन कहीं जाकर रुक गया तो शाम तक उसकी बीवी बच्चों को पालने के लिए भूख पड़ गई, फिर गलत काम में पड़ जाता है। तो मुझे ये भी पता, मैं कई जेलों का भी हमारे यहाँ पर दौरा कर रही हूँ, पता ये चला कि 20 साल से 25 साल के बच्चे छोटी मोटी हरकत से कई सालों तक जेलों में सड़े रहे। तो उनसे जब पूछा गया हमारी कमीशन से, मेरे तरफ से उनको काउंसलिंग की गई, तो पता चला कि भूख के मारे लोग जेल में, बहुत से बच्चे, ये थोड़े बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी न किसी तरह से जहनी दबाव में आकर, किसी के दबाव में आकर भी गलतियां कर रहे हैं। तो ये सारे हिंदू ना को, ये सिर्फ ये अखिलियतों तक महदूद नहीं है, इंसान को भूख हर गलत रास्ते पर ले जाने के लिए उकसाती रहती है। तो इसलिए ये कमीशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो इस बारे में भी हम सोचें, विचार करें ये क्या कर सकते हैं। तो समाजी तौर पर और इक्तिसादी तौर पर हमें अखिलियतों को मजबूत करना चाहिए, इसलिए हम एक दो दिन का कॉन्फ्रेंस भी रखना चाहिए। मुझे यहाँ आने के बाद सदर साहब के ख्यालात और मेरे ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं, और यहाँ एक अच्छा माहौल भी है, यहाँ की वज़ीर आला हम हर वक्त डिस्कशन करते रहते हैं, हमारी रियासत में भी अखिलियतों की हक़ में बहुत से वेलफेयर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो ये जायज़ा लेने के लिए आई थी, तमाम मुझे मिल गई है, एक बोर्ड की रिपोर्ट भी मिली है, तो ये ले जाकर हम भी कुछ हमारी रियासत में अलग से और करना चाहते हैं। शुक्रिया। विदाई बोल के स्कीम शुरू हुई है, ये भी तेलंगाना से ही मुतासर होकर ही शुरू की गई है, और बहुत ये होना चाहिए था। मैं शुरुआत इससे करना चाहती हूँ कि एक लड़की की शादी करना ये हज के सवाब के बराबर है। तो मैं हमारे चीफ मिनिस्टर जो हमारी उनकी ताल्लुकात जो 82 से हैं, तो कई इलेक्शन कैंपेन के पहले जब हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कई लड़कियाँ ऐसे, नौजवान लड़कियाँ ऐसे हैं जो जहेज की आड़ में आकर बिन बिहाई घर में बैठे हुए, तो इनके लिए क्या करें। तो हमने एक सोचा कि उन लोगों को अगर हम कम 50,000 रुपये देकर उनकी शादी के लिए कुछ मदद करें तो हो सकती है। लेकिन ये मैं चाहती हूँ कि इस तरह की स्कीम से इज्तिमाई शादियाँ हों, ना कि एक सिंगल इज्तिमाई शादियाँ। कई मालदार लोग इज्तिमाई शादियाँ में यकीन रखते हैं और कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के हर कोने में कर रहे हैं, लेकिन इज्तिमाई शादियाँ में एक दावत में जिस तरह से अगर कोई गरीब हैं जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, जिनकी ये औकात ही नहीं है कि इस तरह की कार कुछ, वो भी उनका दिल लचाता रहता है, हम ही एक जगह बैठे हैं, हमारे रिश्तेदारों को बुलाएं, शादी करें, कुछ खुशहाल माहौल पैदा करें। तो वहाँ पर मालदार लोग जो इज्तिमाई शादियाँ कंडक्ट कर रहे हैं, एक ही दावत में कई सौओं के बच्चों की शादियाँ और स्पॉट पर एक चेक देकर भेजते हैं। इस तरह से और थोड़ा रद्दबदल करने के लिए मैं भी एक कमीशन की तरफ से पेशकश की है, इंशाल्लाह इस साल से हमारे पर इज्तिमाई शादियों के लिए विदाई की स्कीम को लागू कर सकते हैं।